मॉर्निंग सवेरे का वक्त है और नाश्ते की तैयारी कर रहे हूँ। देखिए गाइस, आज हम कर रहे हैं नाश्ता, कुछ अलग सा है तो चीज वही दिखाते हैं आपको। झटपट नाश्ता। अभी हमने सब सब्जियाँ एक एक दो दो चम्मच काट के इसमें भर लिए। अभी ये हमने डाली है मिर्ची, डेढ़ एक मिर्ची डाली है इसमें। हम डाल रहे हैं अभी इसमें बाकी चीजें, हल्दी आधा चम्मच डाली है मैंने, तीखट डाला मैंने आधा चम्मच के करीब, ये धनिया पाउडर है और थोड़े जीरे डाल रही हूँ पाव चम्मच। अब डालना है नमक और हींग, पाव चम्मच डाल रही हूँ हींग, और मैं डाल रही हूँ थोड़े से सेंग दाने एक आध चम्मच के करीब, मूंगफली जिसको बोलते वो डाल रही हूँ, और डाल रही हूँ नमक, नमक डाल रही हूँ मैं एक चम्मच के करीब, क्योंकि बाद में इसमें रवा को भिगाएंगे इसीलिए ये ज़्यादा नमक डाला है। और टमाटो प्यूरी भी थोड़ी सी डाली, तो वैसे मैंने टमाटर डाले हैं दो, फिर भी थोड़ी सी टमाटो प्यूरी डाल देते हैं थोड़ी सी। और अभी इसको मिक्सर से बारीक करते हैं। देखिए अभी ये जो है सब्जी बारीक तो हुई है बारीक, और बाहर थोड़ा सा रवा दो चम्मच पहले डाल के पहले चला लेते हैं मिक्सर में और फिर डालते हैं। ये देखिए ये बारीक करके रखा है मैंने पोहे को बिल्कुल बारीक। वैसे भी पोहा जल्दी ये हो जाता है, एकदम से पानी भी डाले तो भी उसका आटे जैसा बन सकता है, लूज आटे जैसा। मैंने मिक्सर में इसमें डाल दिए है और रवा भी डाला है मैंने, और जो बड़े बड़े हुए नहीं है गाजर के टुकड़े इसको हमको फिर से चलाना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा। अभी इसमें हम डालेंगे थोड़ा ज्वारी का आटा और इसके बनाएंगे कटलेट। देखिए ये थोड़ा सा ज्वारी का आटा डाल रहे हैं हम और मिक्स करेंगे इसको। दो चम्मच रवा डाला था, एक कटोरी भर पोहा का क्रश करके डाला था मिक्सर में, और ये हम बना रहे हैं कटलेट जैसा। अभी अंदर से एक छोटा चम्मच भर तेल लेके इसको लगा के रखते हैं, थोड़ी देर रेस्ट पे रखते हैं। अच्छा बना है, से कटलेट बनाएंगे और उसको शैलो फ्राई करेंगे। तो इसको हम ढक के रख रहे हैं, आते हैं बाद में आगे। आप देखिए उसका वड़ा बनाया, और ये पहले वाले को मैंने ऊपर से रवा लगाया नहीं सा, रोटी के रवे के इसमें थोड़ा सा कोटिंग करके डाल देते हैं। और सिम पर ही रखा है, ये देखिए ये मैंने अभी डाला हुआ है, ये थोड़ा बड़ा है। इसको शैलो फ्राई करते हैं धीमी आंच पे, पूरे पकाते हैं और दिखाते हैं आपको। ऐसे दो चार भी लिए तो दही के साथ, दही की चटनी के साथ, टमाटो सॉस के साथ आप खा सकते हैं। अभी ये इसको थोड़ा सा रवे को नीचे डाला, उस पर इसको प्रेस किया, दूसरी साइड से भी प्रेस किया। अगर ज्यादा करना हो, ज्यादा कोटिंग करना हो तो इसके ऊपर आप ऐसे रवा डाल सकते हैं और हाथ से इसको प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए ये है कटलेट, इसको बोलते कटलेट। और अभी आप तवे पे देखेंगे, तवे पे इनको मैं
ये करूंगी जैसे थाली पीठ को करते हैं वैसे। बड़ा अच्छा बन रहा है, देखिए कि अच्छा बना है। इसको निकाल लेते हैं, चार एक जन को चार एक ठीक है, चार में ही पेट भर जाएगा। लाल मिर्च के तीन प्रकार है, लाल पीली हरी और गाजर है। गाजर भी अच्छा रहता है सेहत के लिए। तो ये जो है कटलेट, ये बड़े अच्छे कटलेट है, हेल्दी कटलेट है। और आप ही जरूर पसंद करेंगे क्योंकि उसी से चल सकता है काम करके। मैंने फिर ऐसे करेंगे धीरे धीरे और उनको पलटा देंगे। ये देखिए, ये पलटा देंगे और फिर थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे उसके ऊपर। और तेल थोड़ा थोड़ा, खूब तेल नहीं डालने का। शैलो फ्राई यानी कई तेल लोग कढ़ाई में जितना डालते हैं उससे थोड़ा सा कम डाल के शैलो फ्राई बोलते हैं। शैलो फ्राई यानी सिर्फ उसके ऊपर नीचे को लगे तेल, बस इतना ही। ये हो गया है, इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना मस्त बना है। अभी देखूंगी मैं और क्या क्या कहा। ये देखो कितना अच्छा बना है, मस्त करारा। इसको थोड़ा ऊपर से रवा लगाया था। डाल देते थोड़ा तेल, बस इतना ही डालना है। नीचे से लगे और ऊपर से लगे, इतना ही डालना है, ज्यादा डालना नहीं है। सवेरे तो इसमें ज्यादा तेल दूध घी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, सेहत का ख्याल रखना है। और इसलिए ज्वारी का पीठ पे मैंने इसीलिए डाला है, ये जो मिलेट बोलते हैं जिसमें ग्लूटेन फ्री रहते हैं, ये सब सेहत के लिए अच्छे रहते हैं। तो उसी से काम चलेंगे। थोड़ा सा रवा मैंने डाला है कुरकुरापन लाने के लिए। देखिए ये कटलेट कैसे मस्त करारे बन रहे हैं और उनको पलट पलट रहे हैं हम, धीरे धीरे सेक रहे हैं। देखिए हम कर रहे हैं प्लेटिंग, आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा दही, हर एक कटलेट के ऊपर भी थोड़ी टमाटो प्यूरी डाल रहे हैं और इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। इस पे हमने थोड़े मूंगफली के दाने सजाने के लिए, प्याज के टुकड़े, थोड़ा पुदीना, थोड़ा धनिया। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है आज का नाश्ता। आशा है आप